आपने इस गाड़ी के एक्सटीरियर्स तो देख ही लिए होंगे हमारे अनवील वीडियो में। अब आपको फटाफट से इसके इंटीरियर्स दिखा देते हैं। अब ये गाड़ी लॉक्ड है, हम इसके अंदर तो आपको नहीं ले जा पाएंगे, बट आपको बाहर से जो इंटीरियर्स दिख रहे हैं वो फटाफट से दिखाते हैं आपको। तो इसका जो फ्रंट रो है और डैशबोर्ड डिज़ाइन है वो काफ़ी अच्छा और प्रीमियम है, आप ये देख सकते हैं। और इस तरह से और मिडिल रो में कैप्टन सीट्स हैं दो, और पीछे की तरफ इस तरह से सीट्स दी गई हैं। लेग रूम आप यहाँ से देख पाएंगे। ये है थर्ड रो जो कि लास्ट रो है। थर्ड रो में भी आपको कप होल्डर्स वगैरह वहाँ पे दिख रहे होंगे कॉर्नर में, और एसी वेंट्स भी छत में दिए गए हैं तीनों रोज में, आप देख सकते हैं। सेकंड रो में और थर्ड रो में एसी वेंट्स हैं, और फ्रंट तो ये ऐसा है ही। और इसको देख के समझ में आ रहा है कि इसमें वेंटिलेटेड सीट्स भी दी गई हैं। सेंटर में जो यहाँ पे आर्मरेस्ट के पीछे की तरफ जो कंसोल है, यहाँ थोड़ा रिफ्लेक्शन है, माफ़ कीजिएगा, वहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ आप देख पा रहे होंगे एक सर्कुलर नॉब है जो कि एसी के ब्लोअर कंट्रोल है। और इसके थर्ड रो के पीछे जो बूट स्पेस बचता है वो कोई बहुत कम भी नहीं है और बहुत ज़्यादा भी नहीं है। यहाँ बहुत रिफ्लेक्शन होने के कारण शायद आप नहीं देख पा रहे होंगे, तो बूट स्पेस ठीक ठाक है। सीट्स काफ़ी अपराइट रखी हुई हैं इन्होंने, सीट अगर आप थोड़ी रिक्लाइन कर देंगे तो रियर में आपको बूट स्पेस ज़्यादा नहीं मिलेगा। ये कुछ कुछ आप समझ सकते हैं, इट इज़ अ पैरेलल ऑफ हिंडई एल्कज़ार, जैसे क्रेटा और एल्कज़ार है उसी तरीके से कैरेंस और ये वाला है।